जानियों में जानी महापंडित ब्रह्म शिव भक्त लंकापति रावण लंकापति रावण की विजय पताका चमकती रहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। गाइस, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं रात के 8 बजे से। सो गाइस, अभी रात का खाना वाना भी हो गया है तो हम भी रेडी हो चुके हैं रामलीला देखने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से और रामलीला दिखाते हैं आपको। तो बाकी देखो, अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में, और हमारे साथ में हमारे बॉर्डर जी भी हैं। तो आज बॉर्डर जी और यहाँ पे देखो सबसे पहले आ गए हम। सीता माता की जय, लक्ष्मण भैया की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, जाफ राजा की जय, वाराही मैया की हमारे मुख्य अतिथि श्री त्रिभुवन चौहान जी, उनके साथ में हमारे श्री भानु भट्ट जी, मंचासीन हमारे अतिथि। इसके बाद में श्री गैरोला जी, और उसके बाद मेरा मनोज नोटाल जी से निवेदन है कि हमारे जो काशी विश्वनाथ के शह पुजारी हैं, जो हमारे धन्यो हम भारतो देशे धन्य भारत संस्कृति, धन्यो हम भारतीय भाषा धन्य अस्माकं च परंपरा। जो पहुंचे हैं अभी आपने देखा है कि नहीं, जानते होंगे, लेकिन आप नहीं लिखा है, आपके बेटे भी बड़े शानदार जो है मंच संचालकों में है, और दिवाकर भाई हमारे ओर से बोलोगे, बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोलो अंगद युवराज अंगद जी की। बहुत सुंदर, क्या समाचार लाए हो महाराज? मैंने हर प्रकार से उस घमंडी रावण को समझाने का भयस प्रयास किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं मानेगा।
और अब युद्ध ही शायद एक अंतिम विकल्प होगा। तुम विभीषण सुग्रीव हनुमान आदि सभी विचार करें कि अब आगे क्या करना चाहिए। महाराज, सेना को हमने चार भागों में मार दिया है, अब आप आगे बताइए क्या करना होगा। राधा श्री, आज के युद्ध की संचालन की आज्ञा मुझे दीजिए। महाराज, लक्ष्मण जी सही कह रहे हैं, आज के युद्ध का संचालन लक्ष्मण जी के हाथों में सौंपना आवश्यक होगा। प्रिय लक्ष्मण, जाओ और आज के युद्ध का संचालन करो। उत्तराखंड की डेट आई फल में उत्तर प्रदेश में वंशाम पूरा उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध रामलीला चाहिए। और अभी बीच हम लोग थोड़ा ध्यान कम सा जोड़ा, हम पात्र खोजोड़ में बहुत परेशानी हुई जन, जबकि यक्त लोगों दह लगोड़ थे कि भाई हम फिर भी जे भी हिसाब से यको ये लीला को मंचन होन उच और जे उत्साह से हमारा अतिथि लोग यको ओड़ा जनते का वास्ता। हम शिवभक्त लंकापति रावण का भ्रमण नहीं, जब तक इस धरा पर जीवों का आगमन रहेगा और जब तक इन ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ की चादर चमकने रहे, तब तक इस त्रिभुवन विजयी लंकापति रावण की विजय पताका चमकती रहेगी। बिजले गरज जाओ, मैं बिजले गरज जाओ, मैं बादल हूँ बरस जाओ, मैं बादल हूँ बरस जाओ, मैं ही आ भी मैं तूफान हूँ, रावण हूँ दशानन हूँ, मैं रावण हूँ दशानन हूँ। इंद्रजी हमने सुना है पहले ही दिन के युद्ध में हमारी सेना का अभी नुकसान हुआ है। परेशान लिखते तुम तेरे परेशान लिखते तुम, मैं कान बन के जाऊंगा, तेरे परेशान लिखते तुम मैं कान बन के जाऊंगा, राम लखन को मार कर मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। और ये दोनों सेनाएं आमने और सामने भीषण माता द्रोही, भीषण माता द्रोही।
सुंदर। तालियां है तुम्हारे नाम लक्ष्मण, कहां है तुम्हारा वीर हनुमान, कहां है स्वयं मेघनाथ, आज ही दफ्तर में आया है। बहुत सुंदर, तालियां जरूर बजा दो एक बार जोरदार, जितने जोर से बच कलाकार बोल रहे हैं उससे ज्यादा जोर से। काल बांधा पद में, काल बांधा कैद में खुद काल बन के आया हूँ, काल बांधा कैद में खुद काल बन के आया हूँ, मेघनाथ नाम मेरा रावण का मैं लड़ू, लड़ूगा मेघनाथ से आज, लड़ूगा मेघनाथ से आज, ऐसी लीनी मन में ठान, लड़ूगा मेघनाथ से आज। लक्ष्मण जति अपने पूरे रूप में अच्छे जोश में लक्ष्मण जी, हे भ्राता मैं शरण तुम्हारी, हे भ्राता मैं शरण तुम्हारी, मुख से तो वरदान जितनी सेना मेघनाद की, भूख मारो एक पार। बहुत ही सुंदर, रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। बहुत सुंदर, वही प्रति घात करूंगा, सुनने मेघनाथ आज अवश्य ही प्रतिघात करूंगा, इंद्रासन वाले पापों का, इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के मुनि मंडल के मंडल के संतापों का। छुपी के लिए तैयार हो जा लक्ष्मण, सावधान इंद्र जी, सावधान बंसी सावधान, बताइए किसने मेरे भाई की यह दुर्दशा की है, उठो लक्ष्मण उठो। एक उपाय है, लंका में दूसरे वैद्य जी है, वह बहुत मशहूर वैद्य है, बस वह इन्हें ठीक कर देंगे। हे हनुमान जी आप लंका जाइए और वहां से सुषेण बैंक को लेके आइए। जो आज्ञा प्रभु। मैं आके लंगर भूमिया कुछ जो बोल 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 बोला
Let's
किताब आया है, खाने पीने सोने में अपना ये जन्म गवाया है। करना था एक और सूत्र हे विदाता, यही करना था, तो क्यों उपजाया था तूने, तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इस दिन तक ये जीवन का जग जन माया था तूने। पहुंचे किसी नवरात की पाती आप जहां, बात ही सुंदर बात शानदार, नहीं ज्यादा देर बनी, अब जल्दी ही रुक सत देवी, हाँ जल्द सत देवी के बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो बजरंग बली की। महाराज मैं सजीवनी बूटी ले आया हूँ। अरे हनुमान आप तो पूरा ही पहाड़ उठा लाए हैं महाराज, हैं? लायो लायो सजीवन लायो रे मेरो प्यारो सजीवन लायो रे। मिल गई, हाँ ये वाली लानी थी, ये भी प्रकट हो गए थे। अब कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे आप। जय तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं अपने घर में। तो अभी टाइम हो रहा है रात के लगभग 12:50। गाइज आपको रामलीला कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक विपिन पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आपको श्री राम की कसम है सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार दीजिए। गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव, जय श्री राम।